ओके गाइज, सो फिनेंशियल रूल्स यू मस्ट नो पार्ट 6 गाइज, इसका पार्ट 1 से पार्ट 5 तक ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप कहीं से भी जाकर के देख सकते हो। चैनल पे भी आपको इजिली मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इजिली मिल जाएगा। आज है पार्ट 6 और आज हम बात करेंगे पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। अगर आप 1% इम्प्रूव करते हो हर दिन 365 डेज, मतलब एक साल के लिए अगर आप 1% हर दिन इम्प्रूव करते हो तो क्या होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, तो सबसे पहले आप इस चार्ट को देखो, द पावर ऑफ टीनी गेंस। अगर आप छोटे छोटे गेंस करते हो, हर दिन 1% बेटर होते हो, तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1 पे खड़े हो तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर आप 38 पे खड़े होंगे, मतलब 38 टाइम्स आप इम्प्रूव कर जाओगे। और अगर आप इसी का उल्टा 1% वर्स करते हो हर दिन के लिए, तो आप एट द एंड ऑफ 1 ईयर 1 पे अगर आप खड़े हो तो आप 0.03 पर पहुंच जाओगे। अब आप खुद कैलकुलेट कर लो, मतलब आप अगर 1% इम्प्रूव करते हो तो आप एक साल पहले जो थे उससे 38 गुना ज्यादा इम्प्रूव कर जाओगे एक साल बाद, मतलब 3800% इम्प्रूवमेंट। और गाइस, मैंने यहाँ पे भी वही चीज लिखा है कि अगर आप 1% इम्प्रूव करते हो हर दिन और इस पे कंसिस्टेंट रहते हो एक साल के लिए, तो उसके बाद का जो कंपाउंडिंग गेन मिलेगा वो काफी बेहतर होगा और काफी अच्छा भी होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया 38 टाइम्स आप इम्प्रूव कर जाओगे। मैं 38% की बात नहीं कर रहा, मैं 38 टाइम्स की बात कर रहा हूँ, मतलब 3800% की बात कर रहा हूँ मैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कंपाउंडिंग गेंस। अब गाइस, पैसों के केस में भी ये कंपाउंडिंग काम करता है। अब वो कैसे काम करता है उसको अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, मेरा ही वीडियो है, आप देख लेना जा करके। आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग राइट स्किल सेट यू वांट टू इम्प्रूव। अब गाइस, कोई एक सही स्किल सेट आपको चूज करना है जिसमें आपका मन हो, या फिर जो आप इम्प्रूव करना चाहते हो, वो कुछ भी हो सकता है। वेबसाइट डेवलप हो सकता है, वो ऐप डेवलप हो सकता है, ऐप बनाना हो सकता है, वो कोडिंग हो सकता है, या फिर वो कंटेंट क्रिएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप अगर उसे इम्प्रूव करते हो और उसी को लेकर के उस पर कॉन्सिस्टेंट रहते हो और 1% इम्प्रूवमेंट उसी चीज पे करते हो, तो एट द एंड आप 38 टाइम्स इम्प्रूव कर जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज और याद रखना है, फोकस्ड वर्किंग। आपको फोकस करना है काम पे, आपको ऐसा नहीं करना है कि ये काम तो मुझसे एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, 4th दिन भी मैं डेवलप नहीं कर पाया सही तरह से कोई चीज, 5वें दिन भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता तक यही चला, तो आपने उस काम को छोड़ दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, उस पर कॉन्सिस्टेंट रहना है और फोकस करना है उस काम पे, और उसी काम को पकड़ करके एक साल तक रखना है। अब गाइज, अगला पॉइंट है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब क्या होता है गाइज, ये मैंने पार्ट 2, इसी सीरीज का पार्ट 2 जो है उसमें मैंने इसी पूरे टॉपिक को मेंशन किया हुआ है, और यही टॉपिक है उसका, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप उसको देखना, आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 पार्ट 1 सारा का लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 2 पे क्लिक करना, आपको यही टॉपिक मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं एक समरी की बात करूं, तो अगर आप 1% इम्प्रूवमेंट पे कंसिस्टेंट रहते हो एक साल के लिए, और एक सिर्फ एक स्किल सेट को चूज करते हो, सही स्किल सेट को, और उस पे फोकस करते हो और उसी पे एक साल तक काम करते हो और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को फॉलो करते हो, तो एट द एंड आप काफी ज्यादा इंप्रूव कर जाओगे। और हो सकता है आप जिस स्किल सेट को जानते भी नहीं हो उस पे आप मास्टर कर जाओ एक साल के बाद। और गाइज, इसको आप फॉलो करो, आपको काफी मजा आने वाला है, और एक साल के बाद आप खुद रियलाइज करोगे मैंने क्या चीज करा है। तो बस गाइज, यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। इसका अगला पार्ट कल आने वाला है, पार्ट 7, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपसे वो मिस ना हो जाए। और कॉमेंट कर देना गाइज आपको और क्या क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, साथ में जो मैंने वीडियो मेंशन किया है सारा आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।